प्रदेश में बिना टैक्स दिए प्रवेश करने वाली वॉल्वो बसों व अन्य गाड़ियों पर आरटीओ सोलन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देर रात आरटीओ ने नाकेबंदी कर ऐसी 6 वॉल्वो बसों पर कार्रवाई करते हुए चालान काट 40,000 रुपए का जुर्माना किया है। ये सभी बसें पर्यटकों से भरी हुई थी और बिना दस्तावेज व बिना टैक्स दिए हिमाचल में प्रवेश कर चुकी थी। विभागीय अधिकारियों की माने तो यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आरटीओ सोलन नरेंद्र चौहान ने बताया, 6 वॉल्वो बसों को बिना टैक्स के पकड़ा गया है। इन पर 40,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। विभाग का विशेष अभियान जारी रहेगा। हमारे पास कुछ शिकायतें काफी दिनों से आ रही है, जिसमें ये बताया गया कि परमिट का वायलेशन कर रहे हैं ये लोग। जो है बाहर की बसें हैं और यहाँ से हमारे हिमाचल से सवारियाँ उठाते हैं और बिना टैक्स दिए जो है सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। इस वजह से हमारा जो ये 16 जुलाई से और 30 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसें हैं, यदि वह स्टेज कैरिज बसों के रूप में कार्य कर रही है तो उनका जो है चलान किया जाएगा, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार के नियमानुसार हम रात को भी ये काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जो भी गैर कानूनी बसें ये चल रही है इनके पे नकेल कसी जा सके और इनको जो है बंद किया जा सके। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट।